तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा डिटरमिनेंट्स, जो हमारा न्यू चैप्टर है डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स हमने कंप्लीट करा दी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड टू अ नंबर विच इज़ नोन एज डिटरमिनेंट, इट इज़ डिनोटेड एज मोड ए। यानी कि जो भी हमारा डिटरमिनेंट्स होता है वो किसका डिटरमिनेंट्स निकलता है, जो भी हमारे क्या होते हैं, एक मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या निकालते हैं हम, एक डिटरमिनेंट्स यहाँ पे निकालते हैं, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं हम ए, और ये क्या हो गया हमारे पास, इसको कुछ मोड की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ए मैट्रिक्स का क्या हो गया हमारे पास, मोड हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिटरमिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है कि डिटरमिनेंट में पता चल गया किसका निकलता है, हमारे पास स्क्वायर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकलता है हमारे पास, डिटरमिनेंट। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन इसमें फाइंड करना है कि एग्जांपल हमारे पास है, डिटरमिनेंट्स बताना हमें, हमारे पास ए डिटरमिनेंट्स हमारे पास है 4238, हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट, या बोल सकते हैं डेल्टा भी बोल सकते हैं, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए भी बोल सकते हैं, यानी कि ए का डिटरमिनेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा डेल्टा मॉड ए है, मॉड ए डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डीईटी डेट डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हम ऐसे बोल सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकलता है, यानी कि इसका कैलकुलेशन कैसे है, डिटरमिनेंट्स हम फाइंड कैसे करते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स है, जो भी ये हमारे पास डिटरमिनेंट है कितना है हमारे पास, 2328 हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, 4328 ये हमारे एलिमेंट हुए। अब इसको फाइंड कैसे करना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें लेना पड़ेगा 4, 4 के साथ हमें इंटू करना पड़ेगा 8, उसके बाद माइनस क्या करना पड़ेगा 3, यहाँ से लेना पड़ेगा 2 और इंटू करना पड़ेगा हमें 3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 32 - 6 = हमारे पास 26। ऐसे हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट को, यानी कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाईज करने पहले हम क्या करते हैं, इस इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेगेटिव का साइन लगाते हैं, उसके बाद इन दोनों का एलिमेंट निकाल देते हैं। ये तो हमारे पास जब क्या है 2 by 2 का ही जब एलिमेंट है तब हम ऐसा फाइंड कर रहे हैं। यानी कि जो भी हमारा क्या है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाए मैट्रिक्स आ गया 26। अब हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास है, हमारे पास ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है 2 0 3 - 1, इसका हमें क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। फाइंड करिए इसका डिटरमिनेंट्स, या बोल सकते हैं डेल्टा। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जो अभी ऊपर अप्रोच हमने लगाया सेम एज इट इज़ लगाना है। हमारे पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से हमारे पास 2 0 3 - 1, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास आ जाएगा -2, उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का साइन लगा इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2। ये क्या हो गया हमारे पास डिटरमिनेंट निकल गया। अब देखिए जब भी हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तब हम क्या कर रहे हैं कुछ ऐसा अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन अब जब क्या होगा, जब हमारे पास 3 रो आ जाएगी और 3 कॉलम आ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, ये तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास कितने हैं 2 रो है 2 कॉलम है। अब हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या होगा हमारे पास कि 3 रो होगी और 3 हमारे पास क्या होगी कॉलम होगी, हमारे पास एक हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके पास 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि 1 0 2 2 - 1 1 3 4 - 1 क्या हो गया हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स हो गया। अब हमें इसको कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका फाइंड करना है हमें
डिटर्मिनेंट्स बताना। इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा, तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ हमें रूल देखना पड़ेगा। जब भी हम क्या करते हैं अपने डिटर्मिनेंट्स को क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं। सपोज़ हमारे पास जैसे कि 3/3 का क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट्स हो गया, यहाँ पे लगता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है कि हम क्या कर सकते हैं अपने रो 1 के अलोंग क्या कर सकते हैं, हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साइन प्लस लाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। जब हम क्या करेंगे अपने पहली रो के अलोंग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव साइन का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। इस सेम एज सिमिलरली क्या है कि जब भी हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने सेकेंड रो के अलोंग जब भी हम क्या करेंगे अपना रो एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव पहले साइन ले लेंगे, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो एलिमेंट डिटर्मिनेंट्स इसका फाइंड करना है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, 0 -1 4 और 2 1 -1 के हमारे पास ये एलिमेंट है। हमें क्या फाइंड करना है इसका, इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। हमारे पास है 1 0 2 2 -1 1 3 4 -1, इसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना। अब देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्सपांड करना पड़ेगा, हमें एक्सपांड करना पड़ेगा अलोंग R1 के अलोंग क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा ये पहली रो का, इसके अलोंग क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। यानी कि देखिए हमारे पास क्या, हमारे पास पहला क्या है, पहली रो और पहला कॉलम, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम हमें क्या करना है, किसके अलोंग एक्सपांड करना है, R1 की, यानी कि रो पहली रो की अलोंग क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। तो हमारे जो ए एलिमेंट है, यानी कि ये वाला एलिमेंट किया हमारे पास 1 है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन का होगा, पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे पास क्या आएगा, पहली रो और पहला रो को हम रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स कौन सा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा -1 1 4 -1। उसके बाद क्या कह रहा है कि नेगेटिव साइन का यूज़ करो, नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से दूसरी रो और दूसरा कॉलम को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, किसके अलोंग करें, एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं अलोंग R1 के अलोंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहली रो और दूसरा, ये जो हमारा पहली रो और दूसरा कॉलम के अलोंग क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को यहाँ से लेना पड़ेगा। यानी कि हमने 2 ले लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को मल्टीप्लाई कर, हमारे पास मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट्स आ जाएगा 0 2, और यहाँ से आ जाएगा 4 -1। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉजिटिव साइन लेना, पॉजिटिव साइन ले लिया, 3 ले लिया हमने। उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा, पहली रो और तीसरी कॉलम की अलोंग करना पड़ेगा, पहली रो तीसरी कॉलम, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स आ गया, हमारे पास आ गया 0 2 -1 और 1। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी कि देखिए जब भी हमें क्या करना पड़ता है, अपने जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके अलोंग हम क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे रो 1 के अलोंग क्या कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे, रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे। तो हमें क्या करना था, साइन को कौन कौन सी यूज़ करने थे, पहले पॉजिटिव लेना था, यहाँ से हमने पॉजिटिव यानी कि 1 ले लिया, उसके बाद हमें नेगेटिव साइन
टू ले लिया, उसके बाद यहाँ से हमारे पास लास्ट पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए जब भी हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपांड करना होता है, हमने यहाँ से क्या करा, हमने वन यहाँ से उठा लिया यहाँ से, उसके बाद हमने क्या किया, पहली रो और पहला कॉलम को रिमूव कर दिया, तो जो हमारे पास ये जो आया मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करना हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद जब मैंने क्या किया, दूसरा एलिमेंट लिया और नेगेटिव साइन के साथ, तो मैंने क्या करा, पहली रो और दूसरा कॉलम को रिमूव करा, और हमारे पास क्या न्यू मैट्रिक्स आ गया, 0 4 2 -1, 0 4 2 -1। उसके बाद मैंने क्या करा, तीसरे जो हमारे पास ये जो एलिमेंट है 3 को मैंने लिया, जब पॉजिटिव साइन से लिया, उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये पहली रो और ये हमारे पास तीसरा कॉलम को रिमूव करिए, तो हमारे पास क्या गया, 0 -1 2 1, क्या है हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से चीज़ें क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा प्लस, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन, -4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव साइन को एज इट इज़ और 2, उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 और -8, +3 को एज इट इज़, उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0, और यहाँ से आ जाएगा प्लस, हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास +16, और यहाँ से आ जाएगा 6, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 19। हमें इस चीज़ में क्या ध्यान रखना था कि जब भी हम क्या कर रहे थे, पहला एलिमेंट हमने यहाँ से लिया, तो पहली रो और पहला कॉलम को रिमूव कर दिया, पहली रो को और पहला कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं उसको क्या कर लिया, हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट बच गए उसका एक हमने क्या कर लिया, डिटरमिनेंट्स बना दिया। अब उसके बाद मैंने क्या कर लिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं अलोंग आर वन के, तो हमें क्या करना है कि आर वन जो हमारा ऑलवेज इंक्लूड होगा, ऑलवेज ये इंक्लूड हो रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, पहला यहाँ से एलिमेंट लिया हमने 1, तो हमने क्या कर लिया, पहली रो और पहला कॉलम को रिमूव कर दिया। जब हमने क्या लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, तो पहली रो और दूसरा कॉलम को रिमूव करिए, तो हमारे पास आ गया मैट्रिक्स 0 4 2 -1। उसको जब हमने तीसरा एलिमेंट लिया, तो पहली रो और तीसरे कॉलम को रिमूव करिए, तो हमारे पास आ गया 0 -1 2 और 1, क्या है हमारे पास एलिमेंट है। उसके बाद हमने क्या कर, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है, +19 हमारा कितना आ गया, ये आंसर आ गया। ये क्या होगा, जब भी हम क्या कर सकते हैं, आप चाहिए तो हम क्या कर सकते हो कि रो वन के अलोंग क्या कर सकते थे, एक्सपांड कर सकते थे, या रो टू के अलोंग एक्सपांड कर सकते थे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप। उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पे रो वन के अकॉर्डिंग एक्सपांड करा, आप चाहिए क्या कर सकते थे, रो टू के अलोंग क्या कर सकते थे, एक्सपांड, या रो थ्री के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते थे। लेकिन जिस कॉलम या रो के अकॉर्डिंग जब भी एक्सपांड करते हैं, वो क्या होता है, ऑलवेज इंक्लूड होता है। यानी कि जब भी हमने क्या कर लिया, पहला एलिमेंट लिया यहाँ से, पहली रो पहला कॉलम रिमूव, जितने भी एलिमेंट एक मैट्रिक्स में, दूसरा हमने लिया पहली रो दूसरा कॉलम रिमूव, हमारे पास न्यू मैट्रिक्स होंगे, तीसरा एलिमेंट लिया तीसरी रो पहला कॉलम रिमूव, उसके बाद मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद 19 आ गया। ये क्या हमारा कि अपने मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते, जब 3x3 का हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा।
अब हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है जिसमें क्या है, 2 0 0 3 -1 2 1 4 1, ये क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट 2a = 8 डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट यानी 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8 इंटू में हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट प्रूव करना। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास LHS में है और RHS में उसका यूज़ करेंगे। हमारे पास LHS में क्या है, हमारे पास है LHS में हमारे पास है 2a का डिटर्मिनेंट, यानी कि जब भी हमें हमारे पास जो मैट्रिक्स होता था हमारे, देखिए जब भी हमारे पास मैट्रिक्स होता था, मैट्रिक्स हमने चैप्टर करा रहा, उसमें क्या करते, जब भी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होते थे वो क्या हो जाते थे हमारे पास, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास ट्वाइस हो जाता था, हर एक एलिमेंट क्या हो जाता था, ट्वाइस हो जाता था। लेकिन जब भी हमें क्या करें, डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में जब भी हमें क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में क्या करना होता है, हमें एक रो में या एक कॉलम में क्या करना है, उसका ट्वाइस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो किसी एक रो या एक कॉलम में हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता। यानी कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे जब भी 2 करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ओनली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे केवल जो हमारे पास रो 1 उसके अलोंग क्या कर सकता, इसको क्या करूँगा, एक रो के यानी कि रो 1 के क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 से, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4 6 और यहाँ पे 2, और जितने भी नीचे वाले एलिमेंट हैं उसको क्या करना पड़ेगा हमें, उसमें भी क्या करना, 1 मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है। एक्चुअली क्या होता था, हमारे पास जो मैट्रिक्स आता था, मैट्रिक्स में क्या करते थे, किसी रो या एक कॉलम के अलोंग क्या कर सकते थे, करते थे हम मल्टीप्लीकेशन करते थे। लेकिन जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी क्या करना है, हमारे पास जो ए मैट डिटर्मिनेंट्स को क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो सिंपल हमने कर लिया ये सारा चीज़ क्या कर लिया, यहाँ पे ट्वाइस कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो हमारा कॉलम कॉलम फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा, इसको एक्सपांड करूँगा। अब देखिए, अब हमने ऐसा क्यों किया कि हमने जो हमारा कॉलम फर्स्ट है इसके अलोंग हमने एक्सपांड क्यों किया, क्योंकि जब 0 का यूज़ करेंगे तो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा, जब भी हमारा कोई भी मैट्रिक्स फॉर्मड होगा, जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट्स फॉर्मड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 से कब, जब भी हमारा कोई डिटरमिनेंट्स बनेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल 0 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि किसके अलोंग एक्सपांड करेंगे हम, रो सॉरी कॉलम फर्स्ट के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। अब देखिए ऐसा क्यों करा हमने, पहले मैंने क्या कर लिया, 4 ले लिया, उसके बाद हमारे पास पहली रो पहला कॉलम को रिमूव कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से हो गया हमारे पास है -4 -4 और ये हमारे पास आ गया -32। डायरेक्ट मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐसे ना लिखने के बजाय मैंने क्या कर लिया, डायरेक्ट मैंने इस टाइप से लिख दिया, ठीक है।
अब हमारे पास क्या लिया, मैंने ज़ीरो ले लिया। ये मैं किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो हमारे साइन किसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, कि ये जो हमारे पास रूल है इसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। कि हमें क्या करना पड़ेगा, जब मैं रो वन के अलोंग लगाऊंगा तो हमारे पास पहला क्या एलिमेंट होगा, पॉजिटिव, फिर दूसरे एलिमेंट में नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद तीसरा एलिमेंट में पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, तो पहला हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरा नेगेटिव, उसके बाद तीसरा हमें पॉजिटिव एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने पहला पॉजिटिव लिया, अब दूसरा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव यानी कि मैं क्या ले लूँगा यहाँ से ज़ीरो। और ज़ीरो से क्या होगा, जब पहली रो और दूसरा कॉलम को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो जब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ से आ जाएगा -8। उसके बाद पॉजिटिव साइन इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो यहाँ से लूँगा, उसके बाद पहला कॉलम और तीसरे रो हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हमारे पास को कौन कौन से एलिमेंट में बचेंगे, हमारे पास और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। जब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो है, जब ये मल्टीप्लाई होता है जो भी इसके अंदर फॉर्म्ड होने वाला था वो ज़ीरो ही बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, ज़ीरो, यानी कि ये भी ज़ीरो बन जाएगा और ये भी ज़ीरो। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास सिंपल ये बन जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा टोटल यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस का 36 इक्वल टू हमारे पास आएगा 144। जब भी हम क्या करेंगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ज़ीरो बन जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या था, हमारा ज़ीरो ही फॉर्म रहा था, इसलिए सिंपल हमने के लिए ज़ीरो लिख दिया। यानी कि LHS में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 144 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे RHS में है, अब RHS का यूज़ करेंगे, RHS का मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये हमने किसके अलोंग कर लिया, ये हमने C1 की अलोंग यूज़ कर लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है मैट्रिक्स का 2, हमारे पास है 8, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 को मैंने एज इट इज, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, मैं किसकी अलोंग एक्सपांड करूँगा, यहाँ पे भी मैं किसके अलोंग एक्सपांड करूँगा, कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपांड करूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हमारे पास जो बन जाएगी ये ज़ीरो बन जाएगा, और सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, यानी कि ये हमारे पास, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आ जाए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हमने क्या लिया, 2 लिख लिया, अब उसके बाद हमने क्या ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया। हमारे पास ये जो एलिमेंट था यहाँ से, ये तो हमने 2A के लिए यूज़ करा, इसका हमने क्या कर लिया, ट्वाइस कर लिया। हमारे पास जो एलिमेंट बच गया A, ये A है हमारे पास, A डिटरमिनेंट्स क्या हमारे पास, ये A हमने कर लिया, यहाँ से 2 एलिमेंट ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, पहला रो किसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, हम एक्सपांड कर रहे हैं हम अलोंग आर सॉरी सी वन, यानी कॉलम फर्स्ट के अलोंग। पहले एलिमेंट ले लिया, उसके बाद हमारे पास क्या क्या बच गया, यहाँ से आ गया हमारे पास -1 और यहाँ से आ गया -8। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 144, और यहाँ से भी क्या आ रहा था, माइनस का 144। यहाँ पे हमारे पास था 8 तो हमने बाहर लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद हमारे 8 को हमने बाहर लिख लिया। हमारे पास था ए का जो डिटरमिनेंट्स था, ए का डिटरमिनेंट्स हम किसके अलोंग हमने एक्सपांड कर लिया, यहाँ से हमने अलोंग C1 यानी कॉलम फर्स्ट के अलोंग यहाँ पे एक्सपांड कर लिया। उसके बाद ये जो चीज़ें बन गई सारी जीरो बन गई, और हमारे पास क्या बच गया, ये सिंपल एलिमेंट यहाँ पे 2 ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना था, ये चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स फॉर्म डिटरमिनेंट्स फॉर्म हो जा रहा था,
बाद हमारे पास ये टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है, माइनस का 144, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, आर एच एस। हैंस प्रूफ, हमें क्या करना पड़ता है, जिसके हमें हमने ऐसा क्यों करा कि रो वन यहाँ पे कॉलम फर्स्ट, जो कॉलम फर्स्ट है उसके अलोंग एक्सपांड करने, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये चीज़ें क्या होगी, जो भी हमारा इसके जब भी हम ये एलिमेंट लेंगे तो क्या ये वो चीज़ें सभी क्या बना दे रही थी, जीरो बना दे रही थी। इसलिए हमने क्या करी, इसकी हेल्प से क्या कर लिया, इसके अलोंग हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक्सपांड कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जा रही है। ओके, अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होती है, जब भी हमारे पास क्या होता है कि डिटरमिनेंट इज अ जीरो, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिटरमिनेंट इज जीरो इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो, यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी रो या कॉलम क्या होगी, जीरो होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वो डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा हमारे पास, टोटली क्या मिल जाएगा हमारे पास, जीरो बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल हमारे पास है कि कोई भी हम यहाँ पे क्या करें कि डिटरमिनेंट इज जीरो, कब होगा डिटरमिनेंट जीरो हमारा, इफ़ एनी रो और कॉलम इज जीरो, यानी कि इसका एग्जांपल क्या हमारे पास, जैसे कि कोई भी हमारे पास क्या है, जीरो जीरो जीरो, टू थ्री फाइव एट 7 6, ये क्या हो गया, एक डिटरमिनेंट हो गया। तो हमारे पास ये जो रो है या कॉलम हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है एनी रो और कॉलम इज जीरो होगा, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। पहले ये क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि कोई भी अगर रो हो या कॉलम हो, अगर जीरो जीरो है तो हमारा पूरा डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट इज जीरो इफ टू रोज और टू कॉलम हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यू, यानी कि जब भी क्या होगा, जब भी हमारे पास दो रो और दो कॉलम हमारे पास इक्वल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास ये देखिए, जो हमारे पास दूसरी रो है और दूसरा तीसरा रो है, वो क्या है हमारे पास, सेम है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि कोई भी डिटरमिनेंट्स का डिटरमिनेंट इज जीरो होगा इफ़ एनी रो और कॉलम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमारे पास ये रो क्या है, हमारे पास जीरो जीरो है, तो पूरा डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, सेकेंड थी कि डिटरमिनेंट इज जीरो इफ़ टू रो और कॉलम हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यू, यानी कि कोई भी हमारे पास दो रो या दो कॉलम जब इक्वल होगा और प्रोपोर्शनल वैल्यू होगा, तो पूरा डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि डिटरमिनेंट चेंज बाई अ माइनस साइन इफ़ वी एक्सचेंज टू रो और कॉलम। इसमें क्या करा कि जैसे सपोज कि हमारे पास कोई एग्जांपल है, कि हमारे पास कोई भी क्या आ रहा था कि एक डिटरमिनेंट था, सपोज इसका ही हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, डिटरमिनेंट का हमारे पास आंसर आ जा रहा था 10, इसका आंसर आ जा रहा था, इस डिटरमिनेंट का आंसर, कोई भी डिटरमिनेंट इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। अब मैंने क्या कर लिया, किसी भी डिटरमिनेंट्स के मैंने क्या कर लिया, रो और हमारे पास क्या कर लिया, कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि
इंटरचेंज कर दिया तो एक्सचेंज कर दिया, यानी कि रो और कॉलम को मैंने चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अगला आ जाएगा हमारे पास -10 क्या हो जाएगा, हमारे पास डिटरमिनेंट्स हो जाएगा। यानी कि डिटरमिनेंट चेंज बाय अ माइनस साइन, इफ वी एक्सचेंज करेंगे टू रो और टू कॉलम को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन में आ जाएगा। यानी कि कोई भी हमारा मैट्रिक्स जिसका हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा था, जब भी उसकी रो या कॉलम को क्या करेंगे एक्सचेंज कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है चौथा कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। कोई भी एलिमेंट्री ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की बेस्ड पे हम क्या करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर क्या होगी, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रॉपर्टी की बेस्ड पे क्या करना है हमें, कि कोई भी इसमें एलिमेंट्री हमारे पास है, एलिमेंट्री रो और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो डू नॉट चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता किसके में, हमारे जो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू है। सपोज दैट इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है कि क्या होगा, जब भी हमें रो और कॉलम का क्या करना पड़ेगा, हमारे पास रो और कॉलम के अलोंग क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये जो प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसके बेस पे क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है कि ए इंटू बी का जब भी हमें डिटरमिनेंट्स निकालना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए का सेपरेट डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और बी का सेपरेट डिटरमिनेंट निकाल के बीच का इंटू कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए ट्रांसपोज का जब भी हमें डिटरमिनेंट्स निकालना होता है, तो उसका क्या आ जाता है, ए डिटरमिनेंट ही उसका आंसर होता है। उसके बाद लास्ट है कि के इंटू में ए, के क्या हमारे कोई कांस्टेंट है, जब उसका के इंटू ए का जब हमें क्या करना निकालना होता है, एक डिटरमिनेंट्स फॉर्म करना होता है, तो हमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा के कांस्टेंट है उसको बाहर लेकर आ जाएंगे, सिंपल हम क्या निकाल सकते हैं, ए का हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितनी है, हमारे पास 7 प्रॉपर्टी, जिसकी बेस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर उस पर क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चंस करना होगा, जिसमें हमारे पास जो मेन फॉर्मूला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बेस पे क्या करने वाले हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि ये जो हमारा जो अगला लेक्चर उसमें क्या होंगे कि हम अच्छे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है कि हमारे पास इफ हमारे पास डिटरमिनेंट है 6i-3i1 और यहाँ पे 4 3i-1 i 3 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, देन इसका क्या वैल्यू होगा। आई क्या है, यहाँ पे आयोटा है, आयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, जो हमने क्या कर रहे हैं, किसके अलोंग कर सकते हैं इसका ट्रांस एक्सपांड, किसके अलोंग कर सकता हूँ मैं, या तो इसके अलोंग मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ मैं इसके, यानी कि मैं रो 1 की अलोंग क्या करूँगा, एक्सपांड कर लूँगा इसको, एक्सपांड करूँगा मैं, एक्सपांड अलोंग रो
वन। यानी कि हम किसके अकॉर्डिंग चल रहेंगे? जो हमारे पास रूल था, हमारे पास रूल क्या था? साइन लगाने का रूल क्या था हमारे पास? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग क्या करना हमें? साइन लगाना, जिसके अलोंग हम क्या कर सकते हैं? किसी के भी अलोंग क्या कर सकते हैं? एक्सपांड कर सकते हैं। वो किसके डिपेंड करता है कि हम कैलकुलेशन को कितना कम करना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ अभी, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारी रो पहली है उसके अलोंग क्या करूँ? एक्सपांड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, साइन कैसे लगाऊँ? हमारे पास आ जाएगा साइन, आ जाएगा पॉजिटिव 6i। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जो हमारा पहली रो और पहला कॉलम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा हमारे पास 3i-i आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ से आ जाएगा 3 और i। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेगेटिव साइन लगाऊंगा। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये -3i। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो डिटरमिनेंट आ जाएगा कि पहली रो और दूसरा कॉलम को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4-120iota। आई क्या है यहाँ पे? आयोटा। उसके बाद पॉजिटिव साइन। उसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट ले लेंगे, थर्ड एलिमेंट कौन सा है? 1 है। उसके बाद हमारा जो मैट्रिक्स आ जाएगा कि पहली रो और तीसरा कॉलम हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4-3iota-23। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक डिटरमिनेंट। अब इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया जाएगा, हमारे पास आई है और ये 1 है। सो सॉल्व हम कैसे करेंगे, 6iota 6i। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस -3। और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस आ जाएगा माइनस, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -3। उसके बाद ये नेगेटिव साइन, यहाँ से क्या आ जाएगा -3 को एज इट इज, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4i- आ जाएगा यहाँ से 20i। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 × में क्या आ जाएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा -60i। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -12+60i+12, और यह लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास -60i। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी कि टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। हमने क्या कर लिया, इसको एक्सपांड कर लिया, किसके रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर लिया सिंपल। इसके बाद जो हमारे पास रो एलिमेंट लेते हुए साइन हमने लगाया इस रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद एलिमेंट लिया, वाली रो को रिमूव कर दिया, कॉलम को रिमूव कर दिया, दूसरी एलिमेंट लिया, दूसरा रो पहले कॉलम को रिमूव कर दिया। उसके बाद जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म कर दिया, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।